हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं कार्म एंड कंपनी में। और यहां हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नोट्स जो बने हैं फूड के ऊपर, और ये खास तौर पे आपके हेल्पफुल होंगे जो आपका कंटेंट है ना ईवीएस के लिए, तो ईवीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ध्यान से इनको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फूड के ऊपर पढ़ना। तो फूड असल में होता क्या है? फूड देखिए, ऑल द मटेरियल विच आर कंज्यूम बाय द ऑर्गेनिज्म टू प्रोवाइड एनर्जी ऑफ देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड हेल्प टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी कंट्रोल बॉडीज एंड ऑफर टू हेल्प टू बिल्ड द नेसेसरी कंपाउंड आर कॉल्ड फूड। सिंपल सा कहें तो फूड वो चीज़ होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अब यहाँ एनर्जी का मतलब क्या है कि एनर्जी मिलती है, एक एनर्जी सोर्स है अपने आप में, यानी कि वो एक सभी खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं और जिनसे हम अपने पूरे दिनचर्या चला पाते हैं, यानी कि हम दौड़ते हैं, उठते हैं, भागते हैं, ठीक है, या कोई भी काम करते हैं, तो उसको हम फूड कहते हैं, जिससे कि हम अपनी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं और हमारी जो ग्रोथ होती है, यानी कि हमारा शरीर बचपन में छोटा होता है फिर वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, बॉडी ग्रोथ होती है और एक प्रकार से हम पूरी तरह से डेवलप कर पाते हैं खुद को, तो उसे हम कहते हैं एक प्रकार से, वो होता है फूड। यहाँ पे फूड के लिए मैं एक और बात कर सकते हैं कि फूड ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फॉर द बायोलॉजिकल प्रोसेस। अगर हम बात करें कि हम अगर एक दो दिन खाना ना खाएं तो हमारी हालत अच्छी होती है, और हमसे उसके बाद कोई को बोले कि कुछ काम करो आप, तो आप वो काम संभवतः नहीं कर पाते, ठीक है। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि फूड ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी एनर्जी सोर्स के लिए, और जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तब तक आप कोई काम नहीं कर पाओगे। तो फूड क्या है? फूड नरिशेस अवर बॉडी बट वी कैन ईट दोस विच न्यूट्रिशनल एज एवरी सब्सटेंस हैज डिफरेंट न्यूट्रिशनल कंपोनेंट। अब देखो, एक बात सोचने वाली है कि ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक ही प्रकार का फूड खाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक हम फूड खाते हैं तो उसमें विटामिन ए हो या बी हो, लेकिन हम डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं और उनमें डिफरेंट टाइप के विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारे पूरे शरीर के लिए ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि आपके आपके अंदर शरीर में एक विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए और एक विटामिन कम हो जाए, तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी और कुछ ना कुछ कमी उसमें आ जाएगी। अब बात करते हैं, फूड बेस्ड ऑन फूड सोर्सेज कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू क्लासेस। अब हम इसको दो क्लासेस में डिफरेंट कर लेते हैं, और कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, एक आता है आपका प्लांट प्रोडक्ट्स में। ह्यूमन जो है, हमारी जो मानव है, वो खास तौर पे जो प्लांट्स से मिलने वाले फूड्स, यानी कि पेड़ पौधों से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर निर्भर रहता है, और इन्हीं को हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि ये फूड है। फूड कि जैसे मान लीजिए कुछ वेजिटेबल्स, यानी कि खाद्य सब्जियां, ठीक है, कुछ मसाले और कुछ अलग प्रकार के फल फ्रूट्स, तो इनको हम कह सकते हैं सब प्लांट्स में मिलते हैं। जैसे खेती होती है, ज़मीन में कुछ उगा देते हैं, आलू होता है, ठीक, और क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप के जो जिनमें मतलब प्रकृति का साथ हो एक प्रकार से, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरे तौर पर हम बात करेंगे इसको लेकर के, जैसे नेक्स्ट स्टेप जो होगा फूड का उसको हम कहेंगे एनिमल प्रोडक्ट। तो एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाएगा, आप देखो, जहाँ से हमें एनिमल के द्वारा कुछ भी मिलता है, जैसे हमें दूध मिलता है, मीट हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया, और भी बहुत सारे आइटम्स हो गए जो हम एनिमल पर डिपेंड होते हैं इसके लिए। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो भी फूड है वो हमारी ज़रूरत के लिए, अब चाहे वो प्लांट से मिल रहा हो या फिर एनिमल से मिल रहा हो, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, ये दोनों प्रकार के जो प्रोडक्ट्स होंगे ये हमारे लिए ज़रूरी होंगे और हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स होंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप किसी एक प्रोडक्ट पर ही निर्भर रहे, दूसरे प्रोडक्ट पर निर्भर ना रहे, तो आपको दोनों ही प्रोडक्ट पर बराबर मात्रा में निर्भर रहना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो मतलब एनिमल्स पर कैसे डिपेंड रह सकते हैं, तो यहाँ पर एनिमल्स का मतलब ये नहीं कि आप उनके ऊपर केवल डिपेंड हो कि उनका मांस मछली मीट वीट खाने से आप डिपेंड हो, यहाँ पे आप उनके द्वारा जो मिलने वाला दूध है, मिल्क है, वो आप उस पर भी डिपेंड रह सकते हो, ठीक है। अब किस किस प्रकार के देखिए नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, वो देख लेते हैं। पहला हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, अगला इसमें लिखा है आपका प्रोटीन, फिर बात करेंगे फैट, विटामिन, मिनरल सॉल्ट्स और वाटर के लेकर के।
कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। आपने कभी भी देखा होगा जो खास तौर पर अपनी बॉडी को ग्रोथ करना चाहते हैं तो वो लोग भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जैसे कि खास तौर पर ना जिम करने वाले जो लोग होते हैं वो खास तौर पर कार्बोहाइड्रेट का काफ़ी ज़्यादा सोर्स लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के लिए हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा काम लगा ग्लूकोज में, जिसको हम एक प्रकार से ब्लड शुगर के लिए भी, मतलब उतना कि ब्लड शुगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बोलते हैं। तो हमारे जो शरीर है, हमारा शरीर, उसमें क्या होता है कि जो शुगर होता है वो एनर्जी जनरेट करता है। होता है ना कभी कभी, अब आप कहते हो भाई जैसे आप गर्मी से बाहर आए हो, आपको लगता है कि भाई आपकी एनर्जी डाउन हो गई, तो आप क्या करते हो, ग्लूकोज पी लेते हो। और ग्लूकोज में क्या होता है, एक प्रकार का शुगर होता है जो आपके शरीर में एनर्जी देता है। ठीक है, होता ना जिनका बीपी लो हो जाता है वो लोग भी क्या करते हैं, चीनी मीठे पानी का घोल पीते हैं, मीठा पानी उसमें मिलाते हैं ना, चम चीनी उसमें मिलाकर, शक्कर वक्कर मिलाकर उसमें पीते हैं, तो उससे क्या होता है उनको भी एक एनर्जी सोर्स मिलता है उससे। और कार्बोहाइड्रेट हमें बेसिकली कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो उसको हम देखें तो हम उसे कह सकते हैं कि हेल्दी और अनहेल्दी दोनों फूड में मिलता है। अब बात करें तो इसमें, तो देखो इसमें ब्रेड हो गया, बीन्स हो गया, मिल्क हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, पोटैटोस, कुकीज़, और क्या कहते हैं, नाशपाती हो गया, एक सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, कॉर्नस हो गए, चेरी पाई हो गया, तो इन सब में आपको मिल जाता है। और क्या कहते हैं, हम इसको कहाँ में का, मतलब हम इसको कॉमनली कहाँ यूज़ करते हैं, तो कॉमनली शुगर्स, फाइबर्स और स्टार्च के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए अब इसमें क्या कहते हैं, फूड्स हाई इन कार्बोहाइड्रेट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए हेल्थी डाइट। जिस फूड में, यानी कि जिस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होगा वो हमारे लिए एक बहुत ही हेल्थी, यानी कि बहुत ही सेहतमंद खाद्य पदार्थ होगा, यानी डाइट होगी। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड द बॉडी विच ग्लूकोज विच इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी यूज टू सपोर्ट बॉडी। मतलब हमें जो एनर्जी मिलती है, हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, और उसी से हम एक्टिविटी अगर ठीक प्रकार से कर पाते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू कम हो गई, जैसे आलू होता है, आलू पटेटो, आप देखते होंगे खासतौर पर आपके घरों में बनने वाली सब्जियाँ होती है उनमें आलू बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, जिससे कि आपको डेली की जो न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाती है ईजिली। की इफेक्ट देख लेते हैं इससे कुछ। देखिए, ह्यूमन बॉडी जो है, एनर्जी इज स्टोर एज एन ग्लाइकोजन एंड स्टार्च विच इज़ यूज इन टाइम ऑफ एमरजेंसी। अब ह्यूमन बॉडी क्या करती है कि अपनी जो एनर्जी होगी उसको क्या करती है, वो ग्लाइकोजन और स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेती है। और कभी कभी होता है एमरजेंसी होती है कि हमें अचानक भागना पड़ जाए, ठीक है, अचानक कुछ काम करना पड़ जाए, हैवी काम, तो उसमें हम एकदम से अपने शरीर की ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं। अब एनर्जी कहाँ से लगेगी, जब तक हमारे अंदर शरीर में एनर्जी स्टोर नहीं होगी तब तक तो वह एनर्जी लग नहीं पाएगी। अब इसमें कह सकते हैं, इट्स डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बींग्स लीड टू ए रिडक्शन इन द एबिलिटी टू एक्ट, इंक्रीज स्लोथ एंड द लेजिंग फ्रॉम टेकिंग टू मच कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज। अब देखो एक प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर हमने कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू ज़्यादा ले ली, मात्रा ज़्यादा मात्रा में खा लिया, कार्बोहाइड्रेट गेन कर लिया, तब हम आलसी भी हो जाते हैं। तब हमारे अंदर ऐसा नहीं कि ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर लेंगे तो हम एक्टिव ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं, उससे हमारे अंदर आलसपना भी आ जाता है और कभी कभी ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो शब्द है, प्रोटीन शब्द बना है लैटिन शब्द के पैटियो से, इसका मतलब है मेजर इंपॉर्टेंस एक प्रकार से, इसका मतलब ही है। और इट इज़ इसे हम कंसिडर करते हैं कि एलिमेंट फॉर लाइट। ठीक, देर आर प्रिलिमिनरली टू टाइप्स, इसको हम दो प्रकार से देखते हैं, एक होता है एंजाइमेटिक प्रोटीन और एक होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और एंजाइमेटिक प्रोटीन जो होता है, ये होता है क्या, द बॉडी दैट हेल्प इज कंडक्टिंग ऑल मेटाबॉलिक फंक्शन सच एज एन रिसिप्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स इज आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी लेवल्स। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन में क्या होगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन में हम सिंपल कह सकते हैं कि मेकिंग अप द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इज़ यूज टू फिक्स द डैमेज। आपके शरीर में कोई भी कमी आ जाती है, खरोच लग जाती है, चोट लग जाती है जब, या फिर किसी प्रकार का हार्म्स हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है कभी, तो उस डैमेज को फिक्स करने के लिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन काम आता है, ध्यान रखिएगा। की फैक्ट्स क्या हैं इसके, देखिए, मसल्स, स्किन्स, हेयर, नेल्स एटसेट्रा ऑल आर मेड ऑफ प्रोटीन, सबके सब ये प्रोटीन से बने हुए हैं। हीमोग्लोबिन फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ द प्रोटीन हु मेन्स फंक्शन इन द एक्सचेंज बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट,
ध्यान रखना है। अपर क्या है, मेन फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने कार्बोहाइड्रेट बोल दिया गलती से, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रोटीन इज ए पॉलीमर विच इज कंपोज ऑफ मैनी यूनिट्स कॉल्स एज अमीनो एसिड। तो ध्यान रखना कौन से एसिड की बात कर रहा है, अमीनो एसिड की। मीट, फिश, एग्स, पल्सिस आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। हम डिफरेंट टाइप के सोर्सेज लेते हैं प्रोटीन के लिए। कभी कभी क्या होता है कि बाहर से आप लोगों ने मार्केट से प्रोडक्ट खरीदे तो उसमें भी इन सब को ही मिक्स करके मिलाया जाता है। हाँ, वहाँ पे उनकी मात्रा कुछ ज़्यादा कर देते हैं इसलिए वो हाई प्रोटीन हो जाता है। लेकिन अगर हाई प्रोटीन भी आप ज़्यादा ले लेंगे तो उसके लिए आपको उसको रिलीज करने की जरूरत पड़ती है जल्दी। अब यहाँ पे प्रोटीन की अगर बात करें तो सोयाबीन इज कंसिडर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स माना जाता है प्रोटीन कंसिडर करने के लिए सोयाबीन। आफ्टर वाटर प्रोटीन इज फाउंड इन हाई अमाउंट इन द ह्यूमन बॉडी। वाटर की बात अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है। प्रोटीन इज फाउंड इन मोस्ट टिश्यूज एंड द रिमेनिंग इज फाउंड इन द बोन्स, टीथ, स्किन, हेयर, नेल्स एंड अदर सॉफ्ट टिश्यूज। 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल प्रोटीन फाउंड इन द बॉडी इन मसल्स, बोन्स पार्ट और 1/5 कार्टरेज टीथ इज फाउंड इन द स्किन एंड अदर टिश्यूज एंड बॉडी फ्लूड सच एज ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन, लाइम्स, ब्रेन, स्नैपल कॉर्ड, ये सब में आपको प्रोटीन मिलता है। अब ये न्यूक्लियर प्रोटीन इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। तो ध्यान रखना इस बात को, इन सब बातों को, इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा लंबा भी ज़्यादा डीपली भी नहीं समझा रहा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। फंक्शन ऑफ प्रोटीन देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है हमारा। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले, परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म फंक्शन जो होता है हमारी बॉडी का उसको परफॉर्म करने के लिए काम करता है। प्लेज द की रोल इन द क्रिएशन ऑफ द फिजिकल कंपोनेंट, डैमेज को रिपेयर करने का भी काम करता है प्रोटीन, और रिप्लेस डेड सेल एंड टिश्यूज, जो आपके डेड सेल और टिश्यूज होते हैं उनको भी रिप्लेस करता है, और आपकी बॉडी की ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है प्रोटीन। अब बात करेंगे हम इसमें फैट की। फैट लाइक कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन इन द डाइट आर ऑल्सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट आर फाउंड इन फैटी फूड्स फॉर विच वी हैव टू रिले on both animal and vegetable fat in the body of animal and plants material such as the grains, seeds and fruits oil is found as an important source of the fat in the body to provide energy. Their energy is often more than double in the value than carbohydrate. Fats produce more energy than twice the amount of carbohydrate where there are 4 calories इन 1 ग्राम्स, 1 ग्राम्स ऑफ फैट हैज 9 कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस। अब एक बात ध्यान रखना, जब आपका कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं तो जितनी मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, फैट से मिलती है। तो अगर हम फैट ज़्यादा लेंगे तो उससे हमें ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिल जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना, जब भी कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए आपको फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। की फैक्ट्स क्या है इसके, फैट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंसिस्ट ऑफ फैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट। अब केमिकल एलिमेंट में क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो 3 प्रकार के चीज़ों का कॉम्बिनेशन है फैट आपका, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्लाइसरॉल फैटी सब्सटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड इन फैट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेंट सिग्निफिकेंटली लेस देन द कंबाइंड अमाउंट। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वेयर कार्बोहाइड्रेट, तो रेशियो कैसा होता है, 1:1 होगा, यानी 1 इसमें होगा हाइड्रोजन और 2 होगा इसमें ऑक्सीजन, ठीक है। और फैट में अगर हम बात करें तो ये रेशियो होगा 1:3:1:7 इज पॉसिबल ड्यू टू द कॉरस्पॉन्डेंस प्रॉपर्टीज ऑफ द फैट हैज मोर एनर्जी पावर। तो ध्यान रखना कि फैट में ही ज़्यादा एनर्जी होती है। अब फंक्शन क्या है फैट के, इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्ले ए की रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स मेम्बरेंस, इज यूज एज द एक्युमुलेटेड एनर्जी। तो एनर्जी का सोर्स ज़्यादा मात्रा में कौन देता है, हमें फैट देता है। तो कार्म&CO में फिलहाल इतना ही, EVS का जो लेक्चर है न्यूट्रिशन फूड का, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी मिलेंगे। तो तब तक के लिए चैनल पर बन रहिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस नॉलेज को गेन कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।